हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। जो अर्थ है वो सोलार सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है हाउ वंडरफुल, मतलब कितना आश्चर्यचकित टाइप होता है जब सनसेट होता है एंड हम दो चीज़ें ऐसी ब्राइट टाइप देखते हैं स्काई में। सून यू वुड सी इन द नंबर इंक्रीजिंग, और आपको देखते होंगे कि वहाँ पर कुछ बढ़ता है, किसी चीज़ के नंबर बढ़ते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और आप ज़्यादा उन्हें काउंट नहीं कर पाते हैं। द होल स्काई फिल विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर डिम। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो स्काई होता है वो पूरा चमचमाता रहता है छोटी छोटी चीज़ों से। सम आर ब्राइट, कुछ बहुत ज़्यादा चमकीली होती है तो कुछ बिल्कुल डिम, मतलब काली टाइप होती है ना, उनमें कोई रोशनी नहीं होती है। इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, और जो स्काई होता है उसमें कुछ डायमंड टाइप होता है जो चमकते हैं। दे ऑल अपीयर टू ट्विंकलिंग, जो चमकते हैं। बट इफ़ यू लुक एट नॉट ट्विंकल एज अदर डू, बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नॉट नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। अगर आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पे तो ऐसा नोटिस होगा कि वहाँ पर कुछ नहीं चमकता है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ फ्लिकर नहीं हो रहा है विदाउट फ्लिकर इन मून जो है वो शाइन हो रहा है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सीन द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, आप हमेशा मून्स को देखते होंगे कभी, मतलब आप में ऐसा हुआ कि नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं हुआ होता है। इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आप देखते तो होंगे मून को, पर वो कभी बड़ा आया रहता है, कभी हाफ आया रहता है, तो कभी हाफ आया रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू कैन सी द फुल मून Only one in about a month time. अब आप जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो मंथ में आप एक ही दिन पूरा मून देख पाते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और जिस दिन फुल चांद मतलब पूरा चांद आता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इफ फॉर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, और यहाँ पर क्या लिखा है, इट्स अ न्यू मूनलाइट और अमावस्या, और जब आधा चांद आता है तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। जिस दिन क्या होता है फुल मून आता है उस दिन रात बहुत चमकीली होती है और ब्राइट होती है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी यूज सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपको ये मतलब आपके ब्रेन में ऐसा क्वेश्चन उठता है कि हम दिन में ऐसे चांद तारे क्यों नहीं देख पाते हैं, बस सनी सन क्यों दिखता है हमको। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ यू टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई नाइट स्काई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप रात को देखोगे तो सन क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, तो आप इजीली सारी चीज़ें देख पाते हो, जैसे आप मून देखोगे या फिर स्टार देखोगे। और अगर दिन में क्या होता है, सन की रोशनी बहुत तेज़ होती है, और हम क्या होता है दिन में भी वैसे मून और तारे होते हैं, बट जब देखिए वैसे जबकि जो दिन में तारे और वो जो मून होता है वो होते हैं, बट हमको इसलिए नहीं दिख पाते हैं क्योंकि सन की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हमको कुछ चीज़ देखने नहीं देता है। पर जब रात होती है तो सन तो सेट हो जाता है, तो हमको ईजिली मून और स्टार्स दिख जाते हैं। द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। अब देखिए जो सन और मून होता है ऐसी और चीज़ें होती हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, जो चमकदार होती हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, जो स्काई में चमकदार होती हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ कुछ क्या होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो किससे बनी रहती है, गैसेस से बनी रहती हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और उनकी क्या होती है अपनी हीट और अपनी लाइट, अपनी गर्माहट और अपनी लाइट होती है।
विजडे एमिटन लार्ज माउंटेन उन पर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है उन चीज़ की। दिस एस्टर बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इनमें ही हम स्टार्स को भी लेते हैं। द सन इज़ अ स्टार, जो सूरज है उसको भी एक स्टार कहा जाता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जब रात को ट्विंकल स्टार चमचमाते हैं तो क्या होता है, सिमिलर बट वी डोंट फील, वो जो स्टार्स होते हैं एक्चुअली में वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उनकी अपनी लाइट होती है बट हम उनसे इतने दूर रहते हैं कि वो उन हमें नहीं पता चलता कि उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट भी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर वैन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक वैन इट फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अब आपने कभी नोटिस किया होगा जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं वो हमें बहुत छोटी दिखती है। लाइक अगर आप एरोप्लेन ले लें, एरोप्लेन बहुत ऊपर उड़ता है और हमें बहुत छोटा दिखता है वो। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अगर आप कभी रात को बाहर आए हैं या फिर आपने कभी देखा है बाहर पे, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि वहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है स्टार्स का, जो बहुत अलग अलग पैटर्न्स हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, आप ये भी याद रखना ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन, जो उर्सा मेजर एक टाइप का स्टार से बना हुआ क्या होता है, एक टाइप की चीज़ होती है जो आपको स्टार से बनी हुई दिखेगी अगर आप आसमान में कभी देखोगे। और बिग बियर भी इसी टाइप का एक क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। वन ऑफ द मोस्टली इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज अ सप्तऋषि, सप्ता सेवन ऋषि सिरिस, तो उन्हीं में से एक का क्या होता है, सप्तऋषि, जो कितने स्टारों से बना रहता है, सेवन। ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा सप्तऋषि का नाम सुनकर, सात स्टारों से बना हुआ। इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार, ये सात स्टारों का झुंड होता है, समूह होता है। जो आपको यहाँ पर एक लड़की भी दिख रही होगी जो तारों को देख रही है फिगर 1.1 पे। सो यहाँ पर क्या लिखा है, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन भी, मतलब उर्सा मेजर भी कहते हैं। आज समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, अब आपको और अपने जो आपसे बड़े हैं, आपकी फैमिली हैं या आपके नेबरहुड पड़ोसी हैं, तो आपको शो उनको कहना है कि उनको भी अपने साथ या फिर शामिल कर सकती हैं आपकी, हमारे साथ और स्टार्स ऐसे फाइंड करें जो चमकते हैं या फिर क्या करते हैं, एक चीज़ कॉन्स्टेलेशन तैयार करते हैं एक साथ समूह में रह के। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इट इज़ ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो पहले के ज़माने में लोग थे वो कैसे पहचानते थे कि वाली दिशा कौन सी है और वाली दिशा कौन सी है, तो एक होता है नॉर्थ स्टार, जो बहुत ज़्यादा शाइन होती है, उसकी इतनी ज़्यादा शाइनिंग होती है कि पता चल जाता था पुराने ज़माने के लोग को कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, और उसी नॉर्थ स्टार को हम क्या कहते हैं, पोल स्टार भी हम उसको कहते हैं। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, अब हम जो पोल स्टार होती है उसकी पोजीशन भी हम कैसे पता लगाते हैं, सप्तऋषि की हेल्प से, उसकी मदद से, सप्तऋषि की मदद से। लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ़ एनी इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉ जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। अब यहाँ पर आप कैसे देखिए, जब आपको फिर से फिगर 1.1 देखनी है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो आपका सप्तऋषि है वो नॉर्थ पोल के ठीक सामने है, तो इसीलिए सप्तऋषि के दो स्टार जो हैं वो उस लाइन से क्रॉस होकर चलते हैं कि वो नॉर्थ स्टार उस डायरेक्शन में है। इसी हिसाब से जो सप्तऋषि है वो मदद करता है पोल स्टार के बताने में कि वो कहाँ पर नॉर्थ साइड है। सम सिस्टर बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट
ऑफ द स्टार सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब कोई कोई क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, पर जो तारों से या फिर सन से चमक जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। हमारी प्लैनेट्स जो हो गई हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, उनको हम फिर भी सेलेस्टियल बॉडीज मानते हैं। पर अब क्यों मानते हैं यहाँ पर देखेंगे। द वर्ल्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडर इज द अर्थ ऑन विच वी लिव इन इज अ प्लैनेट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो प्लैनेट वर्ल्ड था वो कहाँ से आया, प्लैनेटाई से वर्ल्ड आया है, उसका मीन्स होता है वंडर इज। सो यहाँ पर क्या है, हम भी अब अपने एक अर्थ है जो हमारा प्लैनेट है, इट गेट्स और इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। अब देखिए, इस मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो सन होता है उसको भी हम एक टाइप का स्टार कहते हैं, तो वैसे किसी प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, बट जो अर्थ होता है उसकी हीट एंड लाइट होती है बिकॉज ऑफ सन, सन के कारण उसकी भी अपनी हीट और लाइट होती है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, विच वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू शाइनिंग जस्ट एज द मून। जो अब हमें अगर हम दूर से देखते हैं, वैसे जो मून होता है एक्चुअली उसकी भी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो भी एक, पर हम उसको भी सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। बट वाई क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि मून को भी जो सन होता है वो रोशनी देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर एट अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, जो मून होता है उसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट, और वो हमारी क्या होता है, कंपेनियन मीन्स साथी, हमारी अर्थ का साथी होता है। लाइक अवर अर्थ, हमारी अर्थ के जैसे बहुत सारे और एट प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं है, बट वो सन से अपनी हीट और लाइट प्राप्त करते हैं या फिर लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और किसी किसी के अपने मून भी हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, एट प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। अब यहाँ पर क्या है, एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे एट प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, और कुछ इनमें क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, फॉर्म द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में, ठीक है, वी ऑफन कॉल इट इज़ अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हैड। हम इसको सोलर फैमिली भी कह सकते हैं, सोलर सिस्टम को बोल रहे हैं इनको, इस मतलब सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। द सन, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, द सन इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट द ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बींग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पर अर्थ के बारे में क्या दिया है, जो अर्थ मतलब सन के बारे में क्या दिया है, जो सन होता है वो सेंटर में मतलब बीच में होता है सोलार सिस्टम के, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत ज़्यादा गैसेस को मिलके बना रहता है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, वो हमारी, ये आपको पता ही होगा, वो सारे प्लैनेट्स को हीट देता है, लाइक हर चीज़ को वो ही मतलब रोशनी देता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो अर्थ से जो सन है वो 150 million किलोमीटर दूर है। अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, देर आर एट प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, आप सभी को पता होगा कि हमारे प्लैनेट्स जितनी, हमारे प्लैनेट्स कितने, एट प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और उनकी डिस्टेंस भी दी गई है मतलब बताई गई है। पहला हमारा, वो ऐसे बता रहे हैं कि छोटे 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 से बड़ा बता रहे हैं, जैसे सबसे छोटा मरकरी, वीनस, अर्थ, नहीं ये तो सीरीज वाइज बता रहे हैं, वैसे अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप सीरीज छोटे से बड़ा लिखना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, सो ये हमारे एट प्लैनेट्स कुछ होते हैं। और तो यहाँ पे
आपको अगर लिखने के लिए तो आप यहाँ पर से सीरीज लेना, आप जैसे यहाँ पर सीरीज वाइज दिया है। और यहाँ पर एक ऐसा मतलब इसका इजी मेथड भी बताया है कि आप कैसे लिखें, एन इजी वेज टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज। अब यहाँ पर क्या, अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, माई एम का मरकरी, वी का वीनस, ई का अर्थ, मदर का मार्स, जस्ट का जुपिटर, एस का सैटर्न, यू एस का यूरेनस और नट्स का नेपच्यून हो गया, ठीक है। ऑल द इटेनल्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पैथ, दीज पैथ आर एलोंगेटेड, देर आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब जो सोलर सिस्टम एट प्लैनेट्स आज, जैसे आपको पता है जो सोलर सिस्टम में एट प्लैनेट्स होते हैं वो अपने ही फिक्स्ड, उनका एक फिक्स्ड रास्ता होता है, वो उसी रास्ते से चलते हैं, उस रास्ते को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, ये आपको ही पता होगा कि मरकरी जो है वो सबसे पास है सन के, इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट वन राउंड, और वो 88 डेज लगाता है, सिर्फ 88 डेज लगाता है किसको, पूरे सन को करने में 88 डेज लगाता है, वन राउंड ओनली वो 88 डेज में लगाता है ऑर्बिट के। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द दैट ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ होता है वो मतलब वीनस और अर्थ सेम टू सेम होते हैं, उनकी शेप और साइज एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। टिल रिसेंटली अगस्त 206 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट, हाउ एवर इज इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इट डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज सीरीज 2003 UB डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, अगस्त 2006 में एक एस्ट्रोनॉमिक मतलब जो साइंटिस्ट रखी गई उनकी एक क्या रखी गई, मीटिंग रखी गई, जिसमें डिसाइड किया कि प्लूटो को हम क्या कर देंगे, उसको हम तोड़ देंगे, कुछ ऐसा हुआ था। तो जो प्लूटो था वो सबसे किसी कारण वो सबसे छोटा सेलेस्टियल बॉडी बन चुका था, किसी कारण कुछ हुआ था कि प्लूटो जो था वो छोटा होता ही जा रहा था बिना रुके। तो फिर क्या हुआ, वो सबसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहलाने लगा था। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियॉइड, जियॉइड मीन्स इन अर्थ लाइक शेप। तो यहाँ पर एक अर्थ के मतलब जो अर्थ है उसके बारे में थर्ड, आपको पता ही होगा अर्थ हमारी सोलर सिस्टम है तीसरा प्लैनेट है, और वो सन के नज़दीक तीसरा प्लैनेट है, और उसका जो साइज़ है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट में शामिल है, और वो साइंटली फ्लैंडेड पोल्स में है मतलब है, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियॉइड। तो इसका शेप जो है वो जैसा है, उसका सिमिलर शेप अर्थी जैसा होता है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट और टू कोल्ड, जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, इट हैज़ वाटर एंड एयर, उसके पास वाटर भी है एंड एयर भी है, पानी और हवा दोनों हैं, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसके बिना जो इंसान है वो नहीं रह सकता। The air has life, supporting gases like oxygen. Because of these reason, the Earth is a unique planet in the solar system. अब यहाँ पर क्या है, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग, जो एयर होती है वो हमें बहुत ज़रूरी होती है, गैसेज लाइक ऑक्सीजन मतलब हमें ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम नहीं जी पाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, इसी कारण जो अर्थ है वो सबसे यूनिक प्लैनेट कहा गया है पूरे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट्स इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अब हम यहाँ पर क्या लिखा है, जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, बट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो किससे ज़्यादातर पानी से ढका हुआ है, उसकी ज़्यादा परसेंट पानी से ढकी हुई है, और कम परसेंट किससे ढकी हुई है, लैंड से ढकी हुई है। द मून, अब मून के बारे में, अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून,
यहाँ पर मून को हम सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है। जो मून होता है वो अर्थ के पास सिर्फ एक ही है, दैट इज द मून। इट इज डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सिस्टर बॉडीज। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो मून होता है वो वन क्वार्टर होता है अर्थ के। इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज वो बहुत हमें मून इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि जो हमारी प्लैनेट होती है वो एक सेलेस्टियल बॉडीज होती है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे। वो हमसे कितना इतने दूर, 3,84,400 किलोमीटर दूर होता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। और जो यहाँ पर क्या लिखा है, नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब आप अगर कंपेयर करोगे सन और मून, मतलब सन और अर्थ का डिफरेंस कि वो कितने दूर हैं, एंड दैट फ्रॉम द मून, और मून से भी, दैट मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डे। इट्स टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, द अर्थ। यहाँ पर क्या लिखा है, जो मून होता है वो अर्थ के चक्कर काटता है, मून भी अर्थ के चक्कर काटता है, तो 27 डेज में काट लेता है चक्कर वन स्पिन में, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए हमको एक ही दिन में फुल चांद दिखता है, बाकी हमें मतलब एक ही महीने में हमें फुल चांद दिखता है, बाकी इसीलिए हमें आधा ही चांद दिखता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर, इट हैज़ माउंटेन्स। जो मून होता है उसके पास ना अपनी वाटर है ना एयर है, सिर्फ उसके पास क्या है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेन्स एंड डिस्प्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। अब यहाँ पर क्या लिखा था, जो मून होता है उसके पास ना अपना पानी होता है ना एयर होती है, बस उसके पास अपना माउंटेन होता है, प्लेन्स होती हैं, ठीक है, और उसके पास एक अपना हार्ड टाइप सरफेस होता है। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, और ये मून की सरफेस पे इसकी शेडोज पड़ती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। और अगर आप फुल मून कभी देखोगे तो उसकी आप कभी जमीन में उसकी परछाई देखना, मून फुल मून की। एस्ट्रॉइड्स, अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अपाल द स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, दीज आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर क्या है, जो स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट होती हैं उसके साथ एक और चीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स, और वो किस किस के बीच पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में। फिगर 1.2 देखना, आप फाइंड करो फिगर 1.2, दिखाती हूँ मैं, देखो कहाँ पर बनी है। पेज नंबर 3 आप ओपन कीजिए अपना, वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो आपको दिख रही है मार्स और जुपिटर के बीच में। सो ये हमारा क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। सो साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यूज दैट एस्ट्रॉइड्स आर प्लैनेट आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी मतलब ऐसा बोल रहा था कि जो एस्ट्रॉइड है वो भी हमारी प्लैनेट्स का क्या है, एक भाग है या फिर हिस्सा कह सकते हैं। अब मेट्रॉइड्स क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विद मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। सम टाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप्स अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शंस विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो सन के आसपास छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के भी पास आ जाते हैं, ड्यूरिंग किसके समय आ जाते हैं, फ्रिक्शन के समय आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, और कभी कभी ज़्यादा गर्मी से जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स इन मेट्रॉ
without being completely burnt, falls on the earth and creates as a hollow. अब अगर वो कभी कभी जल जाते हैं, ये तो मैंने बताया आपको, कभी कभी वो क्या होता है, जल जाते हैं और फ्लैश ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा चमकीली लाइट आती है उन पर, और जब वो पूरे बल जल जाते हैं ज़मीन में आके, तो वो क्या होते हैं, बहुत गहरा गड्ढा कर देते हैं उसी जगह पे। डू सी ए वाइटिश ब्रॉड ब्रांड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पैथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट, इट इज़ अ कटर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, द बैंड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी फिगर 1.6, आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। अब देखिए यहाँ पर आपको वाइट वाइट टाइप का दिख रहा है, ये वाइट वाइट चीज़ें हमारी क्या हैं, स्टार हैं, इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जो हमारी कहाँ पे है, सोलर सिस्टम में। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई, थस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा। इसको हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा भी कहते हैं। ए गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वे आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतने सारे स्टार्स हैं, अब जो साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत फाइंड किया, रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है, इसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं और कितना बड़ा उसका साइज़ है यूनिवर्स का, वो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और हैं इसके बारे में। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अब यहाँ पर हमारे पास है कुछ एक्सरसाइज, तो ये तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, How does a planet differ from a star? Why is the mean of solar by the solar system? ये तो आप, मैं आपको दिखाऊंगी। टिक द करेक्ट आंसर पे आते हैं। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, मैंने आपको बताया था किसको बोलते हैं, हम वीनस को बोलते हैं। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, कौन सा सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, अर्थ, कौन सा है, अर्थ है। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ एलोंगेटेड पाथ, इसमें करना, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा, नॉर्थ वाली कौन सी नॉर्थ साइड वो बताता है, ठीक है। एस्ट्रॉइड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मैंने आपको दिखाई थी वो कहाँ पर, किन किन के बीच थी, मार्स एंड जुपिटर के बीच। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश, यहाँ पर स्टार्स होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सलेशन होगा, क्या होगा, कॉन्सलेशन, सी यू एन एस टी ई एल एल ए टी आई ओ एन, क्या होगा, कॉन्सलेशन होगा। ने ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड डैश, क्या होता है, जो ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स होती है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे, मिल्की वे गैलेक्सी, यहाँ पर गैलेक्सी हो गया। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ, मैंने बताया था ना आपको, अर्थ से सबसे नियर कौन है, मून, चांद, That is the third nearest planet to the sun. ये तो अभी हमने किया, अभी कौन सा होता है, अर्थ। Planets do not have their own dash and dash. जो planets होती हैं उनकी अपनी क्या नहीं होती है, heat भी नहीं होती है, light भी नहीं होती है, किससे लेते हैं अपनी heat and light, किससे लेते हैं, sun से लेते हैं। अब यहाँ पर thing to do for fun, यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।